नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, संत आशाराम जी बापू आज एक ऐसा नाम है जो कि लाखों लोगों की नज़र में चर्चा का विषय है। संत आशाराम जी बापू ही नहीं, उनके पूरे परिवार को आज चर्चा का विषय बनाकर रख दिया गया है। ये संत वही संत हैं जिन्होंने भारत में न जाने कितने ही लोगों के उत्थान के लिए अपने जीवन के 75 वर्ष समाज में दे डाले। इन संत ने समाज उत्थान के न जाने कितने ही कार्य किए हैं, कितने ही बच्चों का उत्थान किया है, कितनी ही महिलाओं को उन्नत किया है तथा इसके साथ साथ कितने ही युवाओं को भारत के सशक्तिकरण में मजबूती प्रदान की है। आज इन्हीं संत को कारावास में रखा हुआ है। एक 75 वर्ष के बुजुर्ग संत के ऊपर न जाने कितने ही आरोप लगाकर उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु संत आशाराम जी बापू के समर्थन में भी आने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। जहां संत लोग संत आशाराम जी बापू को खुलकर समर्थन कर रहे हैं, वहीं हिंदू संगठनों के द्वारा और बॉलीवुड की महान हस्तियों के द्वारा भी संत आशाराम जी बापू को समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो आशाराम बापू, संत श्री परम पूज्य आशाराम बापू के चैतन्य को भी आज हम सभी ने अपने आप में धारण किया है, क्योंकि एक आशाराम बापू नहीं बचे, अब करोड़ों आशाराम बापू खड़े हो जाएंगे इस देश के लिए। और जब जब अंधकार छाता है, कोई लोग ये सब संत कहते हैं, हमारे में कहते हैं कि मूर्ख लोग इतिहास का निर्माण करते हैं, और हमेशा मूर्खों ने ही इतिहास को निर्माण किया है। सियाने केवल कारकुनी करते हैं, चाकरी करते हैं अंग्रेजों की। सियाने लोग जो होते हैं वो केवल कारकुनी करते हैं, क्लियरिकल जॉब करते हैं, और जो पागल हो जाते हैं देशभक्ति से, धर्म भक्ति से, माँ के गर्भ से और पिता के रक्त से जो पागल हो जाते हैं, वही देश का और विश्व का इतिहास निर्माण करते हैं। इतिहास कभी भी विद्वानों ने निर्माण नहीं किया, इतिहास कभी भी मूर्खों ने निर्माण किया है। जो अपनी सब विद्वत्ता को त्याग देते हैं और सद्गुरु के चरणों में लीन हो जाते हैं, उन्हें जगत मूर्ख कहता है, और उन्हीं मूर्खों के कारण विश्व का इतिहास निर्माण होता है। और अब हम सभी पागल लोग खड़े हैं, क्योंकि शाने लोग तो सब दिल्ली में बैठे हैं, हम पागल लोग यहां आए हैं, और हम पागलों ने निश्चय कर लिया है फिर इतिहास करवट बदलेगा। और सब लोग कहते हैं बापू निर्दोष है, बापू निर्दोष है। बापू कैसे निर्दोष है? बापू तो सबसे बड़े दोषी है इस दुनिया के। जहां अनाचार दुराचार अंधकार की पूजा होनी चाहिए थी, वहां बापू ने तेज की पूजा सिखाई। जहां नपुंसकता की पूजा होनी चाहिए थी, हिजड़ों का जय जयकार होना था, वहां बापू ने हमें अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों से भरपूर किया। चारों पुरुषार्थों की जागृति बापू ने की, अंधकार का धिक्कार बापू ने किया, अनाचार दुराचार का धिक्कार बापू ने किया। तो बापू निर्दोष कैसे? बापू तो सबसे बड़े दोषी है, क्योंकि हिजड़ों के देश में मर्दों की पूजा, पुरुषार्थ की पूजा, माँ के गर्भ के ऊपर, उस गर्भ के ऊपर अच्छे संस्कारों की पूजा, कि उस गर्भ से क्रांतिकारी जन्म ले, उस गर्भ से योगी तपस्वी जन्म ले, उस गर्भ से राष्ट्रपुरुष जन्म ले, ऐसे गर्भों को संस्कारित करना, ये बापू का सबसे बड़ा दोष है। अगर बापू राखी सावन को नचाते थे, बापू और किसी नपुंसक नेताओं को नचाते थे, उनके जन्मदिन साजरे करते थे, तो बापू दोषी नहीं थे, बापू महान योगी पुरुष बन जाते थे दुष्टों के राज में। मगर आज हमें निश्चय करना है, मैं तो राजनीति से आता हूं, और मैंने संकल्प किया है, जिस दिन से हमारे राम भाई जो है नासिक के, उन्होंने मुझे बापू की इस केस के बारे में सच्चाई बताई, और सच्चाई बताने के बाद मैं दहल गया, और दहलने के बाद मैंने निश्चय किया कि हिंदू राष्ट्र सेना पूरे देश में हिंदुओं को जाति पाति वर्ण भाषा प्रांत से परे उठकर अपने राष्ट्र के लिए संगठित होने का सामर्थ्य प्रकट करने का एक कार्य कर रही है, पुरुषार्थ का। मैंने संकल्प किया कि अब एक ही कार्य है, बापू जब तक बाहर नहीं आएंगे तो आखिरी बूंद तक रक्त की हम संघर्ष करते रहेंगे, और पूरे देश के हिंदू राष्ट्र सेना के, मुझे किसी साधकों ने दुख से बताया कि हम दुखी है कि इतने भले भले राजनेता आके पैरों में बैठ जाते थे और आज वो सब भगोड़े हो गए। तो वास्तव में वो भगोड़े ही थे, आज भगोड़े नहीं हुए, वास्तव में वो भगोड़े ही थे, नपुंसक ही थे। मगर नपुंसकों को भी एक समय राम जी ने वचन दिया है कि कलयुग में शंडों को हिजड़ों को भी राज करने की संधि दी जाएगी, मगर अब कलयुग की समाप्ति आ चुकी है। ये कलयुग के पहले आने वाला कलायुग है, कलयुग के पहले आने वाला ये कलायुग है, और ये कलायुग में बापूजी ने दिखाई हुई ये लीला परम श्रद्धेय है,
और हिंदू राष्ट्र सेना सब संतों के चरणों में और आप साधकों के हृदय में ये वचन प्रस्तापित करती है कि आखिरी दम तक 100 करोड़ हिंदुओं के देश में अगर हमारे संतों का अपमान होगा, विडंबना होगी, तो उसका प्रचंड प्रतिशोध लिया जाएगा। और प्रतिशोध छत्रपति शिवाजी महाराज ने, अफजल खान जब महाराष्ट्र में आया तो प्रतापगढ़ के पैरों तले उसको गाड़ दिया। अब ये सरकारें भी निकल जाएगी और संतों की, धर्म की रक्षा करने वाली धर्म पुरस्कृत सत्ता निर्माण होगी। मैं छोटा था, मुझ पर गुरु कृपा हुई और उसके बाद, गुरु कृपा के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसे कई साधु संत पीर फकीर हर जाति धर्म के मुझे मिले, मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं गांव में घूमने वाला ऐसे ही धर्मवादी, ऐसे ही आप लोगों के तरह ईश्वर का भजन कर देने वाला ऐसा गोविंदा गोविंदा हो जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था। गुरुओं की कृपा ही ऐसी होती है। माताओं का आशीर्वाद ही ऐसा होता है। आशीर्वाद ऐसे ही होता है, जिस वक्त नजर आता है तो ऐसे ही कोई ऐसे रूप में नजर आएगा कि आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया। मैं उस कार्यक्रम से जिस वक्त निकल रहा था तो उससे पहले मैं कभी गुरुजी से नहीं मिला था। वहां रश बहुत थी तो मैंने कहा मैं कहां से निकलूं, तो गुरुजी ने कहा कि गोविंद मेरे साथ निकलो यहां से, नहीं तो तुम्हारे साथ बड़ी तुम्हें तकलीफ देंगे लोग। तो मैंने कहा कि नहीं, कृपया ये तकलीफ ना हो, इसके लिए आप मुझे साथ में यहां से नहीं। तो एक व्यक्ति आया वहां से और मुझे कहने लगा, अरे आशाराम बापू जी की गाड़ी में आप कैसे बैठ। तो मैंने कहा घबराओ नहीं, ज्यादा सोचो भी नहीं, ऐसा समय आएगा कि मैं जहां पे उनका स्थान है मैं वहां जाऊंगा और मेरा सम्मान होगा। उस वक्त मैंने यह नहीं सोचा था कि उन पे वैसा समय आएगा जैसा समय से वो निकल रहे हैं। समय का किसी को पता नहीं होता। लोग मुझे कहते हैं कि गोविंदा तुम गए, तुमने राम नाइक जी को हरा दिया। मैंने कहा मुझे नहीं लगता है मैंने हराया। मैं तो जिस दिन इलेक्शन में खड़ा रहा मैं जाकर राम नाइक जी के चरण छू के आ गया। तो मुझे कांग्रेस वाले लोग कहने लगे, अरे गोविंदा ये तो अपोजिट में खड़े हैं, तुम इनके पांव कहां से छू के आ गए। तो मैंने कहा मैं वो अपोजिशन वाली पार्टी वाले के पांव नहीं छुए, मैं वृद्ध व्यक्ति के पांव छू के आ रहा हूं। हर व्यक्ति में व्यक्तित्व होता है, उसमें जो थोड़ा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जो ये समझते हैं वो उसकी परिस्थिति पे ध्यान नहीं देते, वो देश काल परिस्थिति देखकर उसके साथ व्यवहार और उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। समभाव, प्रेम भाव, शांति भाव, ये सब भाव तब जगते हैं व्यक्ति में जिस वक्त वो बहुत सारे सुख और दुख से निकलता है और उससे निकला हुआ आदमी जो है वो हिलता नहीं है। मैं जिस वक्त इधर आ रहा था तो जैसा कि आप लोग कह रहे थे, मुझे लोग कह रहे थे अरे गोविंदा इसके बाद तुमसे बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, लोग कहेंगे क्या कि तुम उनके चेले हो, लोग ये कहेंगे कि क्या तुम ऐसा सोच रहे हो वैसा सोच रहे हो। मैं बोला कुछ भी नहीं सोच रहा हूं भैया, मुझे सिर्फ यह पता है कि गोविंदा साधुओं का सम्मान कितना करता है, कितना ज्यादा कर सकता है, यह मेरे लिए अच्छा है। परंतु मैं कभी किसी साधु के साथ में बदतमीजी नहीं कर सकता हूं, इतना बड़ा तो कोई भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है, हो भी नहीं सकता है। ईश्वर से आपको जोड़ देने का जो कार्य होता है वो या तो मां करती है, उसी के नाभि से आप जुड़े हुए होते हैं, उसी के नाभि से आपको मिलता है। अब उस नाभि में ही मुझे विष्णु नजर आता है,
उस नाभि में ही मुझे नबी नजर आता है, उसमें सब धर्म है। वो मां जो है उसके वलय में ही हम जी रहे हैं, उस मां से हम इस धरती मां पे आ जाते हैं, इस धरती मां के बाद हमको उस तरह के साधु संत मिल जाते हैं जो हमें प्रेम मां की तरह ही करते हैं, हमें ऐसा मंत्र दे देते हैं जिससे हमारी जिंदगी की तकलीफ दूर हो जाती है। हमें ऐसी राह दे देते हैं जिस राह में आगे कांटे नहीं चुभते। हमें ऐसे लोगों से मिलवा देते हैं जहां पे काल ना हो, कष्ट ना हो, दुख दारिद्र ना हो, रोग ना हो। ऐसे बहुत से व्यक्ति मुझे मिला करते हैं जो कहते हैं कि इनकी दवाई खाई उसके बाद पता नहीं कितनी बीमारियां दूर हो गई। लोग तरह तरह से सोचने के लिए आपको मजबूर करते हैं। मुझे लोग कहते हैं कि आप तो बड़े नेता हो गए गोविंदा। मैं बोला नेता तो उस दिन हो गया मैं जिस दिन मैंने राजनीति छोड़ दी, क्योंकि मुझ में मेरे पैदा हुआ तब से जो मेरी मां साधु रही और उसके बाद जो साधुओं की कृपा मुझ पे रही उसके लिए मैं सरलता से उसको ऐसे ही मैं छोड़ आया, ऐसे निकल आया वहां से जैसे मंदिर के बाहर जूता उतार देते हैं। इसमें किसी भी राजा का मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, वो सूर्य वर्ग है, उस वर्ग को मेरा प्रणाम है। मैं चंद्रमा वर्ग का व्यक्ति हूं, सितारे चांद के साथ होते हैं। ये गुरु वर्ग है, इस वर्ग का मान सम्मान संपूर्ण जग में होता है और होता रहेगा। ये गुरु वर्ग कृपा जिस पे रहती है उस पे कभी दोष कलह काल ये चीज का कष्ट नहीं आता। बाबा कहते हैं कि जा जाके खुश रह, जा खुश रह, वैसे ही खुश हो जाता है। बनारस में बाबा थे, झाड़ू मार दिया करते थे, सात झाड़ू मारे सात बच्चे पैदा हो गए। आए ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद दिया, हे गोविंदा तुम लड्डू के पीछे नहीं भागो। लड्डू के पीछे तो वो लोग भागते हैं ना जिसे लड्डू से मुंह होता है, बहुत ज्यादा बड़ी घबराहट होती है, तिलमिलाट होती है उन लोगों में। तुम ऐसा काम करो ये लड्डू तुम्हारे पीछे भागने के लिए मजबूर हो जाए, लेकिन भाग्य और उस भाग्य से जुड़ी हुई भाग्यवती और उस भगवती से जुड़ा हुआ संपूर्ण भाग्य का वलय और उस वलय से जुड़ा हुआ वलय चक्र, इस सब पे कृपा होती है तो माताओं की होती है, गुरुओं की होती है, देवताओं की होती है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, माई से प्रार्थना करता हूं कि इस आने वाले समय में दोष दुख रोग कलह ताप आज ही इस होलिका से निकल जाए और जिस वक्त मेरे घर परिवार का एक्सीडेंट हो गया था मैंने कहा था कि साधु वर्ग संत वर्ग पीर फकीर चाहे जिस जाति धर्म के हो वही मेरा घर परिवार है। मुझे मेरी माताजी से मिला है और मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से ये सूरत
यहां पे इस वक्त बनी हुई है, ये सूरत कभी खराब ना हो। लोग उसी की तरफ देखना पसंद करते हैं जो खूबसूरत होता है, और खूबसूरत वही होता है जिसका दिल खूबसूरत होता है, जिसमें गुण खूबसूरत होते हैं, जिसकी इच्छा खूबसूरत है, जो गलत चाहता ही नहीं। सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद भद्रं तन्नासव। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमय वंदनां मृत्युर्मोक्षयामामृतात्। कालहर, दुःखहर, दारिद्रहर, कष्टहर, रोगहर, हर हर महादेव। अगर आपको याद होगा कि कई सालों से यहां एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा हमराह, एक ऐसा स्वामी, एक ऐसा गुरु जो अपने हाथों से यहां रंग छिड़कता था, नृत्य करता था, गाता था, आज वो कहां है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज होली का पहला दिन है, और पहले दिन का अर्थ यह है कि हमारा जो बड़ा होता है वो रंग को मिलाकर हम बच्चों पर, हम छोटों पर छिड़कता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपके हृदय को पूछना चाहता हूं, कहां है वो? और उसके लिए कार्य क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, सिर्फ हम धैर्य रखकर बैठे हैं कि हमारे स्वामी आएंगे जरूर। आज इस होली के दिन यही मंच होता और यहां हमारे स्वामी होते तो इसका अर्थ क्या होता आप जानते हैं? ये होली होती, ये रंगों की होली होती, लेकिन आज हमारे पास सिर्फ अश्रु है, हमारे पास सिर्फ आंसू हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि गुरुजी आप चाहे कहीं भी रहो, आप सदैव हमारे हृदय में रहेंगे, आप सदैव हमारे हृदय में रहेंगे, और जब तक के हम जीवित रहेंगे आपके ही नाम से जिएंगे और आप ही के नाम से अंत करेंगे। आज क्या होली मनाई जाए, क्या होली मनाई जाए, इसके बगैर होली मनाई जाए? मेरे अजीजों, जिंदगी में बहुत सारे वाक्य ऐसे आते हैं जहां इंसान को खुद स्वयं लड़ना पड़ता है, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे साथ इतना घोर अन्याय हो रहा है। हम क्यों नहीं एकत्रित होते हैं, हम क्यों नहीं एक साथ चल के बोलते हैं कि हमारे स्वामी को लौटा दो, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं, वो तुम्हारे कभी ना थे और ना रहेंगे, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में थे, अधर्म के पक्ष में कभी नहीं थे। कहने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरा तो एक ही मतलब है कि अगर आज आप लोगों के दिलों में, आप लोगों के मन में गुरु के प्रति जरा सी भी प्यार हो, जरा सी भी लगाव हो, तो मेरे अजीजों आज होली के दिन प्रण करो कि ये होली तो गई, लेकिन अगली होली तक हम अपने स्वामी को यहां अवश्य लाएंगे। इतने सारे हमारे यहां आश्रम वीरान हो गए हैं। कल मैं दिल्ली में था और दिल्ली के आश्रम में जाके देखा, वहां सिर्फ वीरानियां थी, सिर्फ यादें थी। दोस्तों, मैं तो यही दुआ करूंगा कि आप लोग जागृत हो, आपके हृदय को जागृत करिए, ताकि आप जिस दिन जागृत हो जाएंगे, यकीन मानियो हमारे स्वामी इसी मंच पर वापस आ जाएंगे लौट के। सत्य कहा है किसी ने,
सत्य कहा है किसी ने कि जुल्म की डोर ज्यादा बड़ी नहीं होती। क्या सत्य है क्या गलत है इसका निर्णय जो भी लेना है वो आप जल्द क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आपके हृदय में खोट है। आप जानते हैं कि जिस दिन सत्य भार आ गया तो आपका भंडा धार हो जाएगा। दोस्तों, मैं इस पावन दिन के अवसर पर, जो तो होली है इसलिए आप सबको बधाई देता हूं, लेकिन एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अब वक्त हो चुका है कि आप लोग जागरूक हो और आप लोग अपने कार्य में पूरे हो जाओ ताकि हम अपने लक्ष्य का भेदन कर सके। अर्जुन अकेला लक्ष्य का भेदन नहीं कर सकता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज मंच पर मेरे साथ मेरे गोविंद भी यहां मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग अर्जुन की भांति इस लक्ष्य का भेदन करें। आप लोग मेरे केशव की तरह राह दिखाएं ताकि हम जाके उनकी ईंट से ईंट बजा सकें। दोस्तों, गीत क्या है, गजल क्या है, भजन क्या है? केवल एक भावना ही तो है। आप लोग इस बात का आभास करें, इस बात का एहसास करें। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर आपके घर का कोई बड़ा नहीं हो या आपके घर का कोई जिगर का टुकड़ा चला गया हो तो क्या आप होली मनवाओगे, आप दिवाली मनाओगे? हम आज लोगों को बताएंगे कि आज हमारे बापू हमारे बीच नहीं है तो क्या हुआ? हमारे आंसू, हमारी मंशा, हमारा प्यार और हमारी आवाज। अभी होली के बाद सीजन बदल जाएगा। 15-20 पत्ते नीम के और एक काली मिर्च चबाकर पानी पीने से 15-20 दिन तुम्हारे पूरी फूसी और शरीर के चमड़ीगत रोग में आराम मिलेगा। होली से 20 दिन तक अगर बिना नमक का भोजन करते तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, नहीं तो कम से कम नमक खाना। होली से एक महीना अपने तो 20 दिन तक नमक कम अलूणा भोजन करना चाहिए। होली के बाद सूर्य के तीखे किरण पड़ेंगे तो हमारा वात पीत कफ सप्त रंग और सप्त धातु उत्तेजित होंगे, तो उसको संतुलित करने के लिए पलाश के फूलों के रंग से होली खेलने से हमारे सप्त रंग रोमकूप के द्वारा सुव्यवस्थित होंगे, सम बनेंगे, इसीलिए होली खेली जाती। लेकिन बेवकूफी से ऐसा चल पड़ा कि रासायनिक रंग केमिकल रंगों से और हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाए, ऐसा गंदे रंग से अबील गुलाल केमिकल एक दूसरे पर फेंकना बहुत नुकसान करता है। पलाश के फूलों से होली खेलने से बहुत फायदा होता है, जिसको केसूड़े के फूल भी बोलते, पलस के फूल भी बोलते, पलाश के फूल भी बोलते हैं। होली के बाद भोजन में अदरक, ताजी हल्दी, सुपाच्य भोजन, सेकी हुई धानी और चने होली के दिनों में खाना चाहिए ताकि जठरा में जो मंदाग्नि जमाया है कफ वो पसार हो जाए।
होली के दिन उनके बाद रात्रि को देर से सोना पित्त रोग होता है, फिर आंखें जलती है। धूप में घूमने से भी पित्त रोग होता है, आंखें जलती है और स्वभाव में चिड़चिड़ा बनाता है। ऐसे लोगों को लोकी का दूधी बोलते ना, लोकी समझते ना, लोकी का रस पीना चाहिए तो पित्त शमन होता है। ऐसे लोगों को डावा नाक से श्वास लेके शांति शांति जप कर उजवा नाक से श्वास निकाले, ऐसा 4-5 बार करे, ज्यादा नहीं, तो भी आंखों का जलना और गुस्से का स्वभाव में शांति होता है। हम आपको देते रहेंगे वही सच से जुड़ी खबरें लगातार जो आप तक नहीं पहुंच पा रही है, हमारे इसी कार्यक्रम के माध्यम से संस्था समाचार में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।